लखनऊ में डेंगू का कहर, 3 दिन में मिले डेंगू के 52 मरीज, कई सरकारी व निजी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। बीते 3 दिनों में अलग अलग इलाकों से डेंगू के 52 मरीज मिले हैं। इसमें से कई सरकारी व निजी अस्पताल में भर्ती हैं। जिन इलाकों से डेंगू मरीज मिले हैं वहां एंटी लार्वा के छिड़काव संग फॉगिंग भी कराई जा रही है। CMO प्रवक्ता योगेश ने बताया कि बीती 24 अक्टूबर को डेंगू के 17 मरीज मिले थे। इसमें सिल्वर जुबली इलाके में 2, चंदन नगर में 5, अलीगंज में 4, इंदिरा नगर में 3 व चिन्हट में 2, NK रोड पर 1 मरीज मिला। 25 अक्टूबर को डेंगू मरीजों का आंकड़ा कुछ कम हुआ, 14 डेंगू रोगी पाए गए। चंदन नगर में 4, सिल्वर जुबली में 2, इंदिरा नगर में 3, चिन्हट में 2, टूडियागंज में 2, अलीगंज में 1 केस मिला। बुधवार को डेंगू मरीजों का आंकड़ा फिर बढ़ गया। अलग अलग इलाकों में 21 डेंगू मरीज मिले, जिसमें चंदन नगर में 3, सिल्वर जुबली में 2, इंदिरा नगर में 3, चिन्हट में 3, टूडियागंज में 2, अलीगंज में 2, सरोजनी नगर में 3, मोहनलालगंज में 2, NK रोड में 1 केस पाए गए। टीम के जरिए 415 घरों एवं आसपास के मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया। 3 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। सुल्तानपुर जिले में 1 माह के दौरान डेंगू की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बिगड़ रही स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य व मलेरिया विभाग के अधिकारी इसकी रोकथाम की कवायद में जुटे हैं। इसके चलते ही बुधवार को शहर के लाला व पुरवा और करौंदिया मोहल्ले में कैंप लगाकर हुई 180 बुखार पीड़ितों की जांच में 17 में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिला अस्पताल में भी 2 दिनों में पैथोलॉजी में जांचे गए 178 बुखार पीड़ितों के रक्त नमूनों में से 38 की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पॉजिटिव मरीजों के सैंपल अब एलाइजा जांच के लिए भेजे गए हैं। 24 घंटे में ही डेंगू के 55 केस मिलने के बाद चेते स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी इलाकों में बुखार पीड़ितों की जांच व बचाव की जागरूकता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीमों को भेजा है। बाराबंकी जिले में 24 घंटे में डेंगू से सभासद के पति समेत 2 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल हो गया है। मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। कई मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। CHC में डेंगू मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिले में डेंगू से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। अयोध्या जिले में गोसाईगंज में आधा दर्जन मोहल्ले के 12 से ज्यादा निवासी डेंगू की चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार हैं। अंबेडकर नगर जिले में डेंगू का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। बुधवार को डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है, जबकि मलेरिया से पीड़ित 3 मरीज सामने आए हैं। इन सभी का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर ग्रामीणों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है।